भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दा सत और बड़ी प्यारी अंदर रंग भरिया भजन अपने साहब दे लई अपना प्यार रिश्ते जे भावे सांडू ने पर कदे रिश्ता अगे नहीं लिया, रिश्ता इको ही रखिया स्वामी ते सेवक दा। बहुत ज्यादा अदब साईं दास जी दे, बहुत ज्यादा हर वेले हुक्म च रहे, हर वेले इन्हां दे घरों बीबी रामो जी ये भी साथ संगत क्योंकि रिश्ते च साली लगदी पर कदे जीजा साली वाली गल रही नहीं, स्वामी ते सेवक वाली गल सी। बहुत दोनों श्री अमृतसर साहब आए कुछ दिन रहने वास्ते महाराज जी आपको भाई साईं दास जी कदे भी साथ संग अख चक की गल नहीं करदे सन महाराज जी, भावें सांडू रिश्ता साझेदारी वाला है पर अपने आप को सेवक नेत्र भिजे रहने भाई साईं दास जी विराग प्यार बहुत प्यार करते सन जी गुरु हरगोबिंद साहब। एक दिन महाराज के चरणों च सारा दिन जदों बतीत होया ते रात अपनी भगती दे विच लग गई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सिख नूं भेजिया कहिंदे भाई देखो साईं दास कित्थे। अगों सेवक ने कहा कहिंदे पातशाह जे मिल जाण ते बुला के लिआवां, कहिंदे नहीं बुलाना नहीं खाली देख के आणा की कर रहे जी पातशाह। जदों लभिया सर्च कीती ते कित्थे बैठे ने सरोवर दे कंडे ते बैठे ने ते वैरागमई शब्द पढ़ रहे ने ते नेत्रां चों नीर वगी जा रहे, नीर वगी जा रही मन की अवस्था है, इस सिरे की अवस्था। इस तो बाद फिर सात संगत टप जाता है बंदा फिर प्रत्यक्ष दर्शन, उधर तो प्रत्यक्ष दर्शन है ही सही उन्होंने। सिख ने आके दसिया जी पातशाह वैराग में शब्द पढ़ रहे ने अखा चो नेत्र नीर वगदा। अच्छा अच्छा जे हुक्म करते हो बुला के लिया, नहीं भाई नहीं बुला। दूजी रात आई पातशाह ने फिर सिख नूं भेजिया कहिंदे वेख वेख कित्थे भाई साईं दास की कर रहे ने। फिर लभदिया 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 किसी एकांत जगह च बैठे ने कल्ले ते वैराग में शब्द नाल नेत्रां चों हंजू वगदे आ गए। सिख कहिंदे महाराज ओ फलानी थां ते एकांत जगह च बैठे ने बड़ा लभिया, उदां ही कल वांग विराग में शब्द नेत्रां चों नीर। अच्छा अच्छा हुण तीजी रात आई, ध्यान नाल सुणो तीजी रात महाराज ने फिर सिख नूं भेजिया कहिंदे जाओ साईं दास नूं लभो कित्थे। अज सारे पासे टटोल लिया जी साईं दास नाल मिलण, साईं दास सारे पासे लभ लिया ते जदों महाराज दे कोल आए कहिंदे पातशाह ओह तां मिले नहीं, ओह नहीं मिले सारे पासे लभ लिया नहीं मिले। महाराज कहण लगे कहिंदे कोई नहीं तुसी जाओ वो जिथे भी ने अपना काम करते पे ने आपो सतनाम। हुण कित्थे सन जी भाई साईं दास, उन्हां दा कोई मित्र सी, मित्र
ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਈ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਈ ਦਾਸ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਦਾਸ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਾਈ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਹਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮਰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਧਰ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹੇ ਸੇਵਕੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਸਨ ਮਰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਗੜਿਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਬੜਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੇਨਤੀ ਲਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਦੁਬਦਾ ਬਣ ਗਈ ਬਹੁਤ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ
साईं दास जी तू जरूर बोलना। चल भाई मैं हिम्मत करता, मैं देखदा। और जदों तुरन लगे ना कुंडी खोली अंदरों, घर दे अंदर सब अंदरों कुंडी खोली, बुआ खोलिया खोलिया, सामने की वेखते ने घोड़े ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज खड़े ने। आपको सदना मीरी पीरी दे मालक मेरे छेवें गुरु नानक सामने खड़े घोड़े ते सवार। जदों भाई साईं दास जी ने वेख्या महाराज के दर्शन कीते, जो जिक्र च लिखिया सासा एडे हैरान होए, गश खा के डिगण लगे, गश खा के डिगण लगे। महाराज फुरती दे विच उतरे घोड़े तो ते संभाल कीती साईं दास जी। प्यार दे नाल सतगुरु जी कहण लगे, साईं दास जी की गल हो गई, नेत्र खुले सच्चे पातशाह आप जी इत्थे, आप जी इत्थे। कहिंदे साईं दास मैनू पता सी तू सवाल नहीं पाणा, आखो सतनाम, मैनू पता सी कि तू सवाल नहीं पाणा। जदों इस तेरे मित्र ने तैनू बेनती लाई ते मैनू समझ लग गई हुण जाना ही पैणा है। आखो सतनाम कि मेरा साईं दास धर्म संकट च फस गया, मित्र दी अखीरली ख्वाहिश ते इधर मैनू भी सवाल नहीं पा सकदा। साहिब कहिंदे ने मैनू समझ लग गई मैनू आना ही पैणा है। आखो सतनाम आना ही। साईं दास तुहाडी पिठ किवें लगण दिंदा, तुहाडी पिठ किवें लगण दिंदा। तुसी मेरे प्यारे हो, मेरे अजीज हो, साईं दास जी मैं अपने प्यारे दी कदे पिठ नहीं लगण देंदा। तो सतनाम कदे नहीं पिठ लगण देंदा। यकीन जानना सास, एक बारी सिख ढह ता जावे, गुरु अगे ढह जावे, फिर गुरु किसी दे अगे उन्हूं ढहण नहीं देंदे, हर वेले उहदा सिर उच्चा रखदे ने। आपो सतनाम। तुम बख्शन हारे, तुम बख्शन हारे, तुम बख्शन हारे, तुम बख्शन हारे, ओ तुम बख्शन हारे, तुम बख्शन हारे, तुम बख्शन हारे, अपने वालों उठना चाह रहा पर उठ नहीं। हुण महाराज कोल आए, कहिंदे हां भाई पुरख की चाहत है तेरी, की चाहत है तेरी। की कहिंदे, हम अपराधी सद बोलते, हम अपराधी सद बोलते, तुम बख्शन हारे, 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 छेवें बादशाह मेरी बख्श खता, छेवें बादशाह, छेवें बादशाह, छेवें बादशाह मेरी बख्श खता, छेवें बादशाह, छेवें बादशाह, छेवें बादशाह मेरी बख्श खता, छेवें
बड़िया खतावां कीतियां, बहुत अपराध किए। गरीब निवाज बख्श ते की मंगिया, जन्म मरण निवार ले, जन्म मरण निवार ले, जन्म मरण निवार ले, जन्म मरण निवार ले, जी जन्म मरण निवार ले, जन्म मरण निवार ले, जन्म मरण निवार ले, जन्म मरण निवार ले, कर जोड़ नानक तान मांगे, कर जोड़ नानक तान मांगे, ओ कर जोड़ नानक तान मांगे, कर जोड़ नानक तान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो, जन्म मरण निवार ले हो, जन्म मरण साहिब कहते की चाहना है, कर जोड़ लिया, हाथों जोड़ लिया, कहते गरीब नवाज कर जोड़ नानक दान मांग, जन्म मरण बहुत अपराध किए, बहुत पाप किए, तुम चाहो खिना च पलों च बख्श सकते हो। गरीब निवाज कृपा कर, महाराज ने साईं दास वाल वेख्या ते साईं दास दी गर्दन सीस चुकिया होया, साईं दास नूं कुछ नहीं बोल, मनो ये कह रहे हो महाराज तुहाडी मौज, महाराज ने उधर वेख्या साईं दास वाल, साईं दास की कहना, हाली वेख्या ही है की कहना, साईं दास अखा ना मिलान, साईं दास मानो कहते हम मर गा तेरी मौत, हम गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कह लगे विचोला तगड़ा पाया, विचोला तगड़ा की करिए, विचोला तगड़ा पाया, विचोले करके लेखे पाड़ने पैने ने आपू सतना, सतगुरु जी सुनाने बह गए, कहते पुरखा गिणती दे सवास बाकी रह गई, गिणती सिर से हाथ फेरन लगे ते कहते मेरे बच्चिया बोल वाहे गुरु, उन्हें प्यार तड़किया वाहे गुरु, कहते फिर बोल वाहे गुरु, फिर प्यार तड़किया वाहे गुरु, ऐसा पांच बारी जपाया ते सिख दे नेत्र हो गए बंद, सवास हो गए पूरे, महाराज ने कहा जाओ गुरु नानक साहब दे चरणा जे वासा हो गया को सतनाम, जिदे लेखे आप गुरु हरगोबिंद साहब महाराज फाड़ते पे ने उन्हूं कौन पूछेगा, कौन पूछेगा, धर्म राय कर कागज फारे जन नानक लेखा, यकीन जानना जो लिखत च लिखे, मैं हैरान हो गया सासा, वो सिख चढ़ाई कर गया, महाराज अखीरले मतलब समय तक उदा अंगीठा तैयार कीता, शिखर की गर्मी सी, शिखर की गर्मी, जब तक अग्नि भेट नहीं अंगीठे नु सासा लांबू नहीं दिता गया, तां तक महाराज खड़े रहे, और साईं दास जी दे नेत्र छम छम बगी जांदे, अंदर ही अंदर अरदास कर रहे ने महाराज हुण तुसी जाओ असी संभाल लांगे, तुसी जाओ, तुसी जाओ महाराज गर्मी बड़ी है, अंदर ही अंदर पर कदे सवाल नहीं पाया ते कह ना सका, अंदर ही अंदर तुसी जाओ महाराज गर्मी बड़ी असी संभाल लांगे, जदों अगन भेट होगी उस तो बाद महाराज कहण लगे, कहिंदे साईं दास जी हुण आ गया है, कहते साईं दास जी हुण आ गया है, बस इन्नी गल महाराज ने कि भुप्पां निकल गईआं, भुप्पां निकल गईआं,
चरणों में डिगे साईं दास महाराज मैं सेवक मैनू सेवक ही बड़ी बाकी आज्ञा तुहाडी चलती है हुक्म तुहाडे चलणगे महाराज सेवकां दे गरीब नवाज हुण गर्मी बहुत आप जी अपने आराम गाह ते जाके आराम भाई साईं दास जी कहण लगे गरीब नवाज कहते कृपालू हो कहते दयालु हो मेरे निर्गुण आरे दी लाज रख ली तुसी आखो सतनाम। अगर तुहानू ए वीडियो वधिया लगी है तां लाइक करो अते अगे शेयर जरूर करो जी।